हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि जो एडवर्ड है, एडवर्ड में आपसे इंटरव्यू में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं उनमें मुझसे क्या कुछ पूछा गया है और कैसे उसका जवाब मैंने दिया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आप कभी भी इंटरव्यू के लिए ले के जाते हैं तो एडवर्ड में आपको तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। फ्रेशर लेवल के बिल्कुल ही बेसिक सवाल होंगे और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपके सवाल बिल्कुल ही अलग होंगे। बिल्कुल सेगमेंट अलग है, एसईओ की तरह नहीं होता है, ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो पूछी जाती हैं। अभी आज हम बात करने वाले हैं कि एक्सपीरियंस होल्डर को क्या कुछ पूछा जाता है। एक्सपीरियंस होल्डर से सिंपल जो मेन सवाल होता है कि अभी तक आपने कितने बजट तक, आपका जो मैक्सिमम बजट कितना था आपके जब आप कैंपेन रन कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने 10 लाख का अपना अकाउंट है जो मैंने खर्च किया था और उससे मैंने कितना कन्वर्जन लेके आया, ऐसे सवाल कि अच्छा तो आपने 10 लाख रुपए खर्च किए तो 10 लाख रुपए आपने कितने ड्यूरेशन में खर्च किया। मैं बोलूंगा एक साल में 10 लाख खर्च किया तो मंथ का लगभग कितना बजट आपका जाता था, तो मैं बोलूंगा लगभग 50 से 60 हज़ार। कई चीजें हैं ये जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जस्ट बिकॉज कि वो क्रॉस चेक करते हैं कि जो आप बोल रहे हो वो कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है आपके काम से। समझ लीजिए कि मैंने एक फिगर बोला 10 लाख और 10 लाख में मैंने बोला कि एक महीने में मैं 1 लाख रुपए खर्च करता था, या फिर तो फिर देखा गया कि अरे फिर तो ये गलत बता रहा है क्योंकि फिर साल में इन्होंने कहा 10 लाख तो 1 लाख आपको फर्स्ट मंथ में। तो आपको ना जो कैलकुलेशन है ना, आपका जो आप जो चीज़ें कर रहे हो वो आप ऑलरेडी करके जाना। अगर आपने किया हुआ होगा तब तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे, बट अगर आपने नहीं किया है और आप वहाँ जाके एक एजप्शन वाला जो फिगर है वहाँ पर अगर आप दे रहे हैं और एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तब वो आपकी जो हायरिंग होगी वो बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसा कि सबसे पहले पूछेंगे कि आपका बजट क्या था लास्ट कंपनी में। ऐसे तरह मैं एक इंटरव्यू में गया था नोएडा में और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कितने बजट तक आपने जो आपका अकाउंट था वो था, तो मैंने कहा लगभग हमने 10 लाख का हमारा प्रोजेक्ट था, हमारा कैंपेन था। तो फर्स्ट के आपने जो पूरा मंथ का जो पैसा था वो एक बार में ले लिया था या सेगमेंट वाइज सेगमेंट लिया था, तो हमने कहा कि हम क्वार्टरली ले लिया करते थे, तो क्वार्टरली कितना ले लिया करते थे। तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग का जो मंथ था उसमें हमने 4 लाख लिया था फर्स्ट क्वार्टर में, तो मतलब कि ऑलमोस्ट आपने 50% के आसपास आपने ले लिया। ऐसा क्यों? तो मतलब कि मैक्सिमम, क्योंकि जब अकाउंट को आपको बूस्ट करना होता है जब स्टार्टिंग फेज में होता है अकाउंट, तो आपका पैसा ज़्यादा खर्च होता है। फिर धीरे धीरे करके जो आपका अकाउंट है वो जितना ज़्यादा पुराना होता है कन्वर्जन रेट उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो खर्चा है CTR है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से आपको उनको समझाना पड़ता है कि हाँ हमने फर्स्ट मंथ में 2 लाख रुपए खर्चा किया, सेकंड मंथ में 1.5 लाख किया, फिर उसके बाद 50-60 हज़ार में हमने, बट जो कन्वर्जन रेट है वो कम नहीं होता है। तो इस तरह से चीज़ों को उनको समझाना पड़ता है। फिर वो पूछेंगे ठीक है तो कन्वर्जन रेट का क्या रहा। अगर समझ लीजिए मैंने कहा 3 से 4% रहा, फिर वो मुझसे जो नए सवाल पूछेंगे टोटल कन्वर्जन कितना हुआ फिर साल में, फिर मैं एक फिगर बोलूंगा, फिर वो क्रॉस चेक करेंगे कि वो फिगर इस फिगर को टैली करता है या नहीं करता है, कि जो मैंने बोला है वो चीज़ें हुई है कि या नहीं हुई है। कभी कभी वो क्लाइंट का नाम भी पूछ लेते हैं कि अच्छा किस क्लाइंट के लिए किया था। तो अगर आपने कोई छोटी कंपनी का नाम बता दिया और वो आप बोल रहे हो कि 1 करोड़ रुपया वहाँ खर्चा किया, तो वो समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। तो ये सब जो फिगर्स होते हैं ना वो जब आपसे पूछना चालू करते हैं तो आपको समझ में आने लग जाता है सामने वाले को कि हाँ इसने काम किया हुआ है बंदा। ये एक्सपीरियंस होल्डर के साथ पूछा जाता है। और कई कंपनीज ऐसी होती है कि जो पूछेंगे ठीक है कन्वर्जन रेट क्या होता है और CTR क्या होता है, CPC क्या होता है, रिसेंट एडवर्ड में क्या चेंजेस आए हैं। तो कुछ जो नई नई कंपनीज होती है जो नया नया अभी स्टार्ट किए होते हैं जो एडवर्ड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं वो थियोटिकल पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम तो होता नहीं है कि बाकी चीज़ें एडवर्ड में क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रॉस चेक करते हैं कि ठीक है आपका क्वालिटी स्कोर क्या हुआ करता था, लैंडिंग पेज आप खुद से बनाते थे या फिर आपके लिए डेवलपर था, ठीक है, तो और या फिर अच्छा कोड जो होता है वो कहाँ कहाँ लगता है, कि कन्वर्जन जो आपका लैंडिंग पेज है वहाँ लगता है या थैंक यू पेज पर लगता है, ठीक है, क्या कन्वर्जन काउंट करने का क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ पर हम मतलब ट्रैक कर सकते हैं अपना कन्वर्जन, और गोल कैसे हो बनता है, फनल कैसे बनता है, ये चीज़ें आपको पता है या नहीं पता है, कैसे बनाया था आपने, तो इतने सारे जो सवाल होते हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर से आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सवाल मुझसे पूछे जाते हैं जब मैं अपना एक्सपीरियंस शो करता हूँ कि हाँ मेरा वो 4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ एडवर्ड में, तो मुझसे और इसके अलावा बिंग पर काम किया है या नहीं किया है, याहू पर काम किया है या नहीं किया है, और भी क्या प्रोसेस है लीड जनरेशन का, आप क्या कर सकते हो, तो ऐसे सवाल मुझसे ना पूछे जाते हैं जब भी मैं एक्सपीरियंस होल्डर के इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाता हूँ। तो इन सब सवालों का आप तैयारी करके जाना कि कितना बजट था, क्या कन्वर्जन रेट था, कितना कन्वर्जन रेट मैक्सिमम आप लेके जा सकते हो, या फिर लोएस्ट कन्वर्जन रेट क्या हुआ, और कितने नंबर ऑफ अकाउंट एक बार में हैंडल कर सकते हो, ऐसे 36 सवाल जो होते हैं पेड कैंपेन में पूछे जाते हैं, हवाइयां उड़ जाएंगी आपकी जब अगर आपने कुछ गलत बताया तो इसकी भी तैयारी करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोच रहे हो कि आपने किया हुआ है बट वहां जाके जब फिगर्स आप गलत बताओगे ना तो फिर वो समझ जाएंगे कि आपको नहीं आता है, आते हुए भी कभी 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 आप फिगर गलत बोल जाते हो तो आपको लगेगा कि नहीं आता, तो इस चीजों का ध्यान रखें और तैयारी करके ही हमेशा इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, प्रिपेयर्ड होके ही जाना चाहिए, ब्लैंक फेस लेके कभी नहीं इंटरव्यू के लिए आपको जाना चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। और मैं भी जब भी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो अच्छी खासी तैयारी और प्रिपरेशन करके जाता हूँ। तो ठीक है गाइस, ये आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।